अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम कहते हैं आपको। एक्सपेरिमेंट नंबर 7 हम लोग स्टार्ट करने लगे, दैट इज़ टू कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल्स बाय डायरेक्ट मेथड यूजिंग पोटेंशियोमीटर। अच्छा, इसकी थ्योरी क्या है, किस तरह से वर्किंग करता है, उससे पहले हम ये देख लेते हैं इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड होगा। सबसे पहले हम लोग को पोटेंशियोमीटर का अपैरेटस रिक्वायर्ड होगा। पोटेंशियोमीटर का अपैरेटस बेसिकली है क्या है कि यहाँ पर एक स्केल लगा हुआ है 1 मीटर का, और ये जो वायर है, ये वायर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देनी घूम के वापसी आ रहा है, जिस तरह से ये 10 टाइम्स जो है वो घूमता हुआ यहाँ तक आया। तो अगर स्केल 1 मीटर का है तो ये वायर की लेंथ कितनी हो जाएगी, 10 मीटर हो जाएगी। तो 10 मीटर का वायर इसमें लगा हुआ है। ये इसके 2 टर्मिनल्स हैं, एक ये और एक ये नीचे वाला। इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा और एक नेगेटिव टर्मिनल बनेगा इसका। आगे इसकी वर्किंग किस तरह से होगी उसको देखते हैं। ओके, उसके अलावा हम लोग को रिक्वायर्ड होगा बैटरी, लेक्लांचे सेल। वो जो 2 सेल्स का हम लोगों को EMF कंपेयर करना है उसमें से एक सेल जो है लेक्लांचे सेल। लेक्लांचे सेल बेसिकली है क्या कि इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड का सोल्यूशन होता है जो लाइट ब्लू कलर का होता है। तो उसकी पहचान इस तरह से आप लाइट ब्लू कलर में देख सकते हैं। और जिस कंटेनर में होता है वो कंटेनर या तो प्लास्टिक का होता है या फिर ग्लास का होता है। उसके अलावा जो दूसरा सेल है हम लोगों के पास वो है डैनियल सेल। डैनियल सेल बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है और इसका जो कंटेनर होता है वो भी कॉपर का बना हुआ होता है। तो इसकी पहचान ये है कि आप इसको कॉपर के मटेरियल को देख के पहचान सकते हैं कि डैनियल सेल है। तो इन 2 सेल्स का हम लोग को EMF कंपेयर करना है। उसके अलावा हम लोग को रिक्वायर्ड होगा रियोस्टेट, गैल्वेनोमीटर, 2-वे की। देखिए 2-वे की क्या है, 2-वे की ये है, ये जो बीच में मैंने जो है वो की कनेक्ट करी है वाइट और ग्रे टाइप नजर आ रहा है, ये एक वक्त में या यहाँ पर या फिर यहाँ पर कनेक्ट हो सकती है। तो एक वक्त में एक जगह कनेक्ट करके 2 रास्ते हम दे सकते हैं इसको, यानी 2 चीज़ें कनेक्ट कर दें, कभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग, कभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे हम लोग के पास 2 सेल्स हैं जिनके हमें EMF कंपेयर करने हैं, तो वो 2 सेल्स यहाँ पर कनेक्ट हुए हुए होंगे। एक वक्त में एक सेल को देख रहे होंगे लेक्लांचे को, एक वक्त में डैनियल सेल को देख रहे होंगे। ओके, उसके अलावा 1-वे की रिक्वायर्ड है। 1-वे की बेसिकली क्या होती है, जो सिंगल जो है इसमें एक वे होता है। जॉक की रिक्वायरमेंट होगी बाय कनेक्टिंग वायर्स और सैंड पेपर्स वगैरह। ओके, अब जरा इसकी सर्किट डायग्राम देख लेते हैं किस तरह से। ओके, सर्किट डायग्राम जरा देखें यहाँ पर, कि जैसे हमने बात की थी कि एक टर्मिनल ये है और एक टर्मिनल ये है, तो एक पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा, देखें जो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट हुआ है, और एक नेगेटिव टर्मिनल बन जाएगा। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उन दोनों से हम लोगों ने कनेक्ट करा हुआ है लेक्लांचे सेल को और डैनियल सेल को। ये दोनों सेल इस तरह से कनेक्ट हुए हैं, जो दोनों जा रहे हैं 2-वे की में। अब 2-वे की में किस तरह से, अगर देखें 1 पे कनेक्ट है तो मेरे पास लेक्लांचे सेल काम कर रहा होगा, अगर ये 2 पे कनेक्ट है तो मेरे पास डैनियल सेल काम कर रहा होगा। तो बाकी फर्दर उसका जो लेग है वो गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से जॉकी की तरफ जा रहा है, जो जॉकी इस पर टच करेंगे और फिर हम लोग लेंथ नोट करेंगे। बाकी सर नेगेटिव टर्मिनल की से रियोस्टेट से होता हुआ बी, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल पे आ रहा है पोटेंशियोमीटर के। ओके, पोटेंशियोमीटर किस आइडिया पे वर्क कर रहा होता है, किस सिरे वर्क कर रहा होता है, ये बात अगर हम लोग, ये बात हम लोग को पता है कि अगर हम लोग को पोटेंशियल फाइंड करना है किसी EMF फाइंड करना है किसी सेल का, या EMF कंपेयर करना है, तो हमारे पास EMF का फॉर्मूला होता है E=V - IR, और R क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी ऑफ द सेल। अब अगर सपोज करें उस सेल में से करंट पास नहीं हो रहा, सेल से करंट 0 हो जाए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, E=V हो जाएगा, यानी कि जो वोल्टेज हमारे पास आ रहा होगा बेसिकली वो उसका EMF होगा। एक बात तो ये कि उस टाइम पे सेल से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, सेल से करंट 0 हो गया। दूसरी जो बात है यहाँ पर, ये बात हम लोग को पता है V=IR होता है, और R = ρL/A। आर की जगह पर मैंने ρL/A ये पुट करा, और ये आई साथ वाला अलग से लिखा हुआ। अब इसको ब्रैकेट में करने का मकसद क्या है कि देखिए रॉ जो है रेजिस्टिविटी है इस वायर की, वो कांस्टेंट रहेगी चाहे मैं जितना भी जो है वो उसके बारे में कंसिडर कर लूँ। एरिया इसका चेंज नहीं होगा, चेंज अगर होगी तो लेंथ होगी, कभी किसी लेंथ पे जो है वो बैलेंसिंग कंडीशन आ रही होगी, कभी किसी लेंथ पे बैलेंसिंग कंडीशन या नल पॉइंट आ रहा होगा, तो लेंथ चेंज हो रही होगी, बट रेजिस्टिविटी और एरिया कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, वो कांस्टेंट है। तो इन दोनों कांस्टेंट को अलग कर लिया। बाकी आई क्या करंट, अब वो करंट जो इस बैटरी से आ रहा है, अगर वो किसी तरह कांस्टेंट मेंटेन कर लें हम लोग, करंट कैसा रहे, कांस्टेंट रहे,
तो ये आई भी यहाँ पर कॉन्स्टेंट हो जाएगा और ये सारी चीज़ें यहाँ कॉन्स्टेंट हो जाएंगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन किया जा सकता है कि सर अभी तो आपने करंट जीरो होगा, देखिए करंट जीरो होगा किसी पर्टिकुलर सेल से जिसका ईएमएफ हम लोगों को फाइंड करना है, यहाँ से कोई करंट पास नहीं हो रहा होगा, लेकिन वो अपना बैटरी यहाँ से तो अपने सर्किट में करंट फ्लो करवा रही होगी, उसकी बात नहीं कर रहे हम लोग। तो हम लोग इस करंट को कॉन्स्टेंट कर रहे हैं और जो करंट यहाँ से पास होना है वो ज़ीरो कर रहे हैं। ओके, तो अगर ये जो बैटरी से जो करंट पास हो रहा है अगर ये कॉन्स्टेंट हो जाए तो मेरे पास आ जाएगा V इज़ प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि वोल्टेज लेंथ के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और अगर वोल्टेज की सेल का फाइंड कर रहे हैं तो किसके बराबर हो जाएगा, EMF के बराबर हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ E इज़ प्रोपोर्शनल टू N, जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी उसका EMF भी ज़्यादा होगा। तो अगेन याद रहे बेटा कि I जो ज़ीरो हो रहा है वो ज़ीरो इस सेल के अंदर हो रहा है, सही है, सेल से करंट पास नहीं, लेकिन सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। और सर्किट में कैसा करंट फ्लो कर रहा है, सर्किट में कॉन्स्टेंट करंट फ्लो कर रहा है। ओके भाई, तो हम इस आइडिया पे काम करें। अब अगर मैं लैग्रांजे सेल के रिस्पेक्ट से देखूं तो मैं कह सकता हूं कि ईएमएफ ऑफ लैग्रांजे सेल इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट लेंथ ऑफ लैग्रांजे सेल, इस फॉर्मूले के रिस्पेक्ट से हो जाएगा। सेम कहानी फॉर डेनियल सेल, दोबारा से फॉर्मूले को देखें, ईएमएफ ऑफ डेनियल सेल इज प्रोपोर्शनल साइनेटिक तो इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा लेंथ ऑफ डेनियल सेल, ये हो जाएगा मेरे पास। अगर इन दोनों को मैं डिवाइड करवा दूँ, अगर इन दोनों को डिवाइड करवा दें तो मेरे पास फॉर्मूला ये आ जाएगा, ई एल अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू एल एल अपॉन एल डी। ये फॉर्मूला जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर ई एम एफ कंपेयर करने के लिए। मैं दोनों की लेंथ फाइंड करूँगा, बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करूँगा, उस लेंथ को पुट करूँगा तो मेरे पास दोनों के ई एम एफ का कंपेरिजन आ जाएगा। तो इस थ्योरी पर हम लोग काम कर रहे हैं, आई होप ये क्लियर होगा। ओके, अब बिल्कुल उसको सर्किट की तरह कनेक्ट कर लेते हैं। किस तरह से हमारा कनेक्शन था, आपने देखा था कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एक जगह पर कनेक्ट हुआ था और साथ में उसके दोनों सेल लगे हुए थे, लैग्रांजे और डेनियल। तो ये हम लोगों ने दोनों के तीनों के पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिए। तो याद रहे ये बैटरी जो है वो करंट सप्लाई करने के लिए, और ये दोनों बैटरी या दोनों सेल जो हैं हम लोग इनका ईएमएफ कंपेयर कर रहे हैं। ओके, नेगेटिव क्या था, नेगेटिव में की और रियोस्टेट से फिर वो आगे नेगेटिव टर्मिनल पर तरफ जा रहा था। तो ये आ गया मेरे पास नेगेटिव, इसको नाम दे देते हैं नेगेटिव। तो ए टर्मिनल मेरा पॉजिटिव हो गया और बी टर्मिनल जो है वो नेगेटिव हो गया। ओके, फर्दर अब याद होगा कि इन दोनों के टर्मिनल किसके, लैग्रांजे और डेनियल सेल के जो नेगेटिव टर्मिनल थे वो जाएंगे की पे, टू वे की पे, ये कनेक्ट होगा टू वे की से। और टू वे की का जो सेंटर वाला पार्ट है वो कहाँ चला गया, गैल्वेनोमीटर में, और गैल्वेनोमीटर से हम जाएंगे किसके पास, जॉकी के पास जाएंगे। तो ये इस तरह से कनेक्शन है। और टू वे की किस तरह से काम कर रही है कि अभी आप देख सकते हैं कि एक कॉर्नर पर लैग्रांजे लगा हुआ है और दूसरे कॉर्नर पर डेनियल लगा हुआ है। तो अभी जो की है वो इस तरफ लगी हुई है, तो अभी कौन सा सेल वर्क कर रहा होगा, लैग्रांजे सेल वर्क कर रहा होगा, उसकी हम लोग जो है वो लेंथ रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, ये याद रखें कि जब भी आप सर्किट पूरा कनेक्ट कर लेंगे, खैर आपको तो कनेक्ट हुआ मिलेगा, सर्किट चेक ज़रूर करेंगे। सर्किट चेक करने का तरीका क्या है कि आप बिल्कुल एक इनिशियल पॉइंट पे जाके रखेंगे जॉकी को, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दे रहा है, राइट डिफ्लेक्शन, आप जो है वो फाइनल पॉइंट पे जाके रखेंगे, गैल्वेनोमीटर कैसे डिफ्लेक्शन दे रहा है, लेफ्ट दे रहा है। तो ऑपोजिट डिफ्लेक्शन है, एक तरफ राइट एक तरफ लेफ्ट है, ये लेफ्ट से अगर एक तरफ लेफ्ट हो जाए तो दूसरी तरफ राइट होता है। तो ऑपोजिट डिफ्लेक्शन होगा, कंप्लीट ऑपोजिट डिफ्लेक्शन होगा, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर जो है हमारा सर्किट बिल्कुल सही काम कर रहा है। ओके, अब अपनी ऑब्जर्वेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी लैग्रांजे सेल कनेक्ट है, इसकी बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करेंगे जैसे हम लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज में किया था। ओके, अब मैं इसको फर्स्ट वायर पे जाके रखता हूँ, आप देख सकते हैं मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ रहा है। सेकेंड वायर पर ले जाके रखते हैं, अगेन मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। थर्ड वायर पर जाके रखा, अगेन मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। इस तरह से हर वायर पर रखते रहेंगे, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, अगेन मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, अभी तक मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, अभी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ रहा है। ये आठ लाइनें हो गई हैं। हाँ, अब डिफ्लेक्शन कुछ जो है वो थोड़ा चेंज हुआ है, इसको लेफ्ट पे करके देखते हैं, ओवर डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है, यानी राइट पे जाके देखते हैं। ये पॉइंट, इस पॉइंट पे हमारी बैलेंसिंग लेंथ आ गई है, इस लेंथ को हम नोट कर लेंगे, दैट विल बी लेंथ फॉर लैग्रांजे सेल। अच्छा, अब लेंथ नोट किस तरह से करनी है, देखें ये बात हम लोग को पता है, ये हमारा जीरो पॉइंट है और ये कौन सा है,
1000 सेंटीमीटर, ये 0 सेंटीमीटर है, ये 100 सेंटीमीटर, तो 100 के हिसाब से ये कितना हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 0, 100, 200 लेवल नज़र आ रही होगी आपको, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 1000 सेंटीमीटर की लेंथ है। हम लोगों को लेंथ यहाँ तक नोट करनी है, तो यहाँ तक लेंथ निकालने के लिए इसको देखते हैं लेंथ कैसे निकलेगी। अब देखिए लेंथ स्टार्ट कैसे होगी, ये 0 है, अब यहाँ से गिरना शुरू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100, देन यहाँ से दोबारा गिरेंगे तो ये हो जाएगा 200, फिर 201 होगा ये, फिर यहाँ से जाते जाते कितना हो जाएगा 300, फिर 301, फिर कितना हो जाएगा 400। तो इस तरह से हम लोग को लेंथ मेजर करनी है, तो ये हम लोग स्टार्ट कर देते हैं 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 और ये पॉइंट स्केल में आ रहा है 60। ओके तो ये मेरे पास लेंथ यहाँ तक थी 700, फिर यहाँ से गए 800, अब 800 से आगे कितना आया 60 और आया, तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा 860 हो जाएगा, 860 सेंटीमीटर। तो इसको नोट कर लेते हैं लेंथ फॉर लैग्रांज सेल के अंदर 860 सेंटीमीटर। ओके अब ये सेम वर्किंग करते हैं फॉर डैनियल सेल, तो ये हम लोग की जो है अब डैनियल पे कनेक्ट कर देंगे। अब देखिए अब हमारे पास कौन सा सेल कनेक्ट हो गया है, डैनियल सेल कनेक्ट हो गया है, सही। ओके सेम वर्किंग, अब दोबारा आप सर्किट चेक करेंगे अपना कि सर्किट मेरा सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो आप लेके जाएंगे इसको इनिशियल पॉइंट पे और ये बिल्कुल राइट डिफ्लेक्शन है, और बिल्कुल फाइनल पॉइंट पे लेकर गए लेफ्ट डिफ्लेक्शन, इसका मतलब है हमारा सर्किट बिल्कुल सही काम कर रहा है। ओके अब दोबारा सेम वर्किंग करेंगे, आप वैसे ही लेंथ फाइंड करेंगे, पहले एक एक वायर पर टच करके देखेंगे, राइट डिफ्लेक्शन है, राइट डिफ्लेक्शन है, राइट डिफ्लेक्शन है, अगेन राइट डिफ्लेक्शन है, चलो भाई ये आया कुछ एक, मतलब डिफरेंट डिफ्लेक्शन आया लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो हम लोग राइट की तरफ लेके जाएंगे ताकि जो है वो ज़ीरो आ जाए, इस पॉइंट पे ज़ीरो आ गया। तो अब ये लेंथ मेजर करनी, तो अगेन अगर पहले लेंथ मेजर करना आपको क्लियर ना हुआ हो तो अभी दोबारा देख लेते हैं किस तरह से मेजर करेंगे। ये हमारा हो जाएगा जीरो पॉइंट और ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर, तो इसकी लेबलिंग कर देते हैं पहले 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 8, 9 और 10, यानी 1000 सेंटीमीटर हो गया। अब हम लोगों को यहाँ तक की लेंथ नोट करनी है, तो वही वाइट लाइन चलेगी उसको नोट करिएगा 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 और ये पॉइंट नोट करना है। ओके तो 600 यहाँ से 600 ख़त्म हुआ था ना, तो 601 होगा और फिर यहाँ पर ख़त्म हुआ 700। अब 700 वन टू थ्री फोर करते करते कितना हो गया 740 हो गया, तो 740 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ डैनियल सेल आ जाएगी, और लेंथ ऑफ डैनियल सेल हमेशा लैग्रांज से काम आएगी, उसका EMF कम होता है। ओके तो इस लेंथ को भी नोट कर लेंगे 740 सेंटीमीटर। एक बात याद रहे कि आप इसको लेंथ मेजर करने में ज़रूरत है प्रॉब्लम हो कि आपको, तो इसका आसान तरीका ये है कि आप डायरेक्ट अपने अपैरेटस पे या किसी तरह से अपने नोटबुक पे जहाँ पे आप वो सर्किट डायग्राम वगैरह बना रहे होंगे या अपैरेटस पे ही आप नोट कर लेगा कि भाई ये 0 है तो ये 100 होगा, ये 200 है तो ये 300 होगा, इस तरह से अगर आप लेबलिंग कर लेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी मेजरमेंट करने में। ओके तो फिर आपने इसके बाद क्या करना है कि आपने 6 रीडिंग लेनी है, दोबारा आपने कनेक्ट करना है लैग्रांज़ पे, लैग्रांज़ पे कनेक्ट करने के बाद रियोस्टेट को थोड़ा सा मूव करेंगे, और रियोस्टेट को थोड़ा सा मूव करने के बाद फिर दोबारा जो है वो ये बैलेंसिंग लेंथ दोनों के लिए फाइंड करेंगे, यहाँ पर की कनेक्ट करके लैग्रांज़ के लिए, फिर दूसरे फिर नीचे कनेक्ट करके डैनियल सेल के लिए, फिर रियोस्टेट को आगे करेंगे फर्दर मूव करेंगे, और इस तरह से आप 6 रीडिंग लेते रहेंगे। बस एक बात है ख्याल रखिएगा, रियोस्टेट के मूवमेंट इस तरह से एडजस्ट करिए कि आपने 6 रीडिंग्स लेनी है, ऐसा ना हो कि वो लेंथ बीच में आप नोट ना कर सकें और रियोस्टेट की जो है वो रेंज ख़त्म हो जाए, तो इस चीज़ का बस ख्याल रखिएगा। तो आई होप ये क्लियर होगा, आगे इसकी देख लेते हैं कैलकुलेशन किस तरह से होगी। ये कुछ रीडिंग्स है मेरे पास, जिसको चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, जो डिफरेंट रियोस्टेट की पोजिशन पर हम लोगों ने नोट करी हैं। नज़दीक
अब दोनों का रेशो ले लेंगे 860 और 740। इन दोनों का जब रेशो लेंगे तो मेरे पास आ रहा है 1.16, 1.18, 1.20, 1.17, 1.16 और 1.15 करीब करीब सेम आ रहा है। और याद रहे अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो लेंथ का रेशो होगा वही EMF का रेशो होगा, तो EMF रेशो भी सेम ही आ रहा होगा। बहरहाल तो इसका मीन निकाल लेंगे, ये मीन मेरे पास आ रहा है 1.17। अब अगर लेक्लांचे सेल 1.5 वोल्ट है तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और डैनियल सेल जो है वो उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, ये टेबल में इस तरह से होता है, नॉर्मल जो प्रैक्टिस रही है कि LL अपॉन LD होता है, जो आपने जर्नल में भी इस तरह लिखा होगा, LL अपॉन LD की वैल्यू है। और फॉर्मूले हम लोग को LD अपॉन LL यानी उसका रेसिप्रोकल पुट करेंगे, इस बात का ख्याल करिएगा। तो यहाँ पर जो हम लोग पुट कर रहे होंगे LD अपॉन LL, हालांकि हमने फाइंड क्या किया है LL अपॉन LD, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 अपॉन 1.17, तो 1.17 पुट नहीं करेंगे, 1 अपॉन 1.17 EL पुट कर दिया, यानी EMF ऑफ लैग्रांज सेल जो कि आपको गिवन होगा 1.5 वोल्ट्स, तो डैनियल सेल का EMF जो आ रहा है 1.28 वोल्ट। तो ये दोनों का स्टैंडर्ड है, ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है। तो आप जो हैं मीन रेशो जो लेंथ का रेशो आया है और वो EMF का रेशो भी होगा, रेशो भी लिख देंगे और डैनियल सेल के EMF की वैल्यू भी लिख देंगे। तो आई होप ये क्लियर होगा, और अगर क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।